हिमालय की वादियों में एक ऐसा फूल भी है जो 14 साल में एक बार खिलता है। इसका नाम है ब्रह्मकमल। ये फूल 3000 मीटर की ऊंचाई पर सिर्फ रात में खिलता है। सुबह होते ही इसका फूल बंद हो जाता है। इसे देखने दुनिया भर से लोग वहां पहुंच रहे हैं। हाल ही ब्रह्मकमल की तस्वीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने भी जारी की है। इसे उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी कहते हैं। ब्रह्मकमल को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तराखंड में ब्रह्मकमल, हिमाचल में दूधा फूल, कश्मीर में गलगल और उत्तर पश्चिमी भारत में बरगनडोगेज। जानते हैं इस खास फूल के बारे में। ब्रह्मकमल से जुड़ी तीन बड़ी बातें। एक, अश बेहद ठंडे इलाकों में मिलता है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल हिमालय के उत्तरी और दक्षिण पश्चिम चीन में पाया जाता है। ये ब्रह्मकमल हिमालय के बेहद ठंडे इलाकों में ही मिलता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के साथ ही फूलों की घाटी हेमकुंड साहिब, वासुकीताल, वेदनी बुग्याल, मदमहेश्वर, रूप कुंड, तुंगनाथ में ये फूल मिलता है। धार्मिक और प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्रह्मकमल को भगवान महादेव का प्रिय फूल है। इसका नाम उत्पत्ति के देवता ब्रह्मा के नाम पर दिया गया है। दूध अश चीन में भी खिलता है। कहते हैं कान हुआ जान। ब्रह्मकमल सुंदर, सुगंधित और दिव्य फूल कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र में ब्रह्मकमल की 31 प्रजातियां बताई गई हैं। चीन में भी ब्रह्मकमल खिलता है, जिसे तान हुआ ज्ञान कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रभावशाली लेकिन कम समय तक ख्याति रखने वाला। इसका वानस्पतिक नाम साउ सूर्या ओब वाला आता है। साल केवल जुलाई सितंबर के बीच खिलने वाला ये फूल मध्य रात्रि में बंद हो जाता है। ब्रह्मकमल को सुखा कर कैंसर रोग की दवा में उपयोग किया जाता है। तीन, केदारनाथ धाम में ब्रह्मवाटिका में भी इसकी रौनक। केदारनाथ में पुलिस ने ब्रह्मवाटिका बनाई है, वहां भी ये फूल खिले हैं। खास बात है कि संभवतः इंसान की बनाई पहली वाटिका है जिसमें ब्रह्मकमल खिले हैं। ये सूरजमुखी की फैमिली एस्टेरेसी का पौधा है। केदारनाथ पुलिस के मुताबिक इस वाटिका को तैयार करने में करीब 3 साल लगे थे। जेड न्यूज की रिपोर्ट।